साइंस का चूंकि पूरी दुनिया में तरक्की होती है साइंस से, लेकिन हमारे मुल्क में, सूबे में बदकिस्मती से उसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई। यूनिवर्सिटीज़ अपनी रिसर्च कर रही हैं, गवर्नमेंट अपने साइड पर बैठी हुई है, इंडस्ट्री का और एकेडेमिया का, गवर्नमेंट का आपस में वो लिंकेजेस नहीं है। तो इस सारी चीज़ों को कंबाइन करने के लिए, ताकि रिसर्च का एक्चुअल फ़ायदा हो, जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, रिसर्च होती हैं, उनको कमर्शलाइज किया जा सके, उसके लिए हमने एक पूरा एक एजेंडा बनाया है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नंबर वन, उसमें हमने जो हमारे इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं प्रोविंस के, उनको हमने चूज़ करके, जिस तरह जेमस्टोन्स हैं या माइंस एंड मिनरल्स हैं या मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं और इस तरह की चीज़ें जो हमारे सूबे में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनके अंदर हम कैसे साइंस को इन्वॉल्व करके, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं।